जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में माँ आदि शक्ति दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं। सभी के सभी शक्तिपीठ देवी सती के ही स्वरूप माने जाते हैं। आज हम आपको जिन देवी की कथा सुनाने वाले हैं, जिनकी महिमा गाने वाले हैं, जिनके पावन धाम का दर्शन कराने वाले हैं, वो देवी हैं माता चिंतपूर्णी देवी। माता चिंतपूर्णी को छिन्न मस्तिका के नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात वो देवी जिनके मस्तक नहीं है। माता चिंतपूर्णी का पावन धाम भी देवभूमि, तपोभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली माता। कहा जाता है कि माता चिंतपूर्णी के शरण में आने वाले भक्तों को सारी चिंताओं से मुक्त कर देती हैं। इसीलिए माता को चिंतपूर्णी माता नाम से जाना जाता है। मां के भक्तों, पुराणों के अनुसार सभी माताओं की उत्पत्ति की एक ही कथा है। चिंतपूर्णी देवी माता सती का ही एक रूप है। कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में मां पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफी बुरी भली बातें कहीं, जिसे माता सती सहन ना कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गया।